नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 20। देखिए, अभी हम पटना के बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय के समक्ष हैं। यहाँ पर जेई जो है अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। और क्या मांग है इनका, इन्हीं से हम जानेंगे। आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? हम लोग का बस एक ही मांग है कि 3 अप्रैल को इन्होंने रिजल्ट दिया था, उसे 2 दिन के बाद इन्होंने वापस ले लिया कि हम जल्दी इसमें जो संशोधन की जरूरत पड़ेगी हम करके देंगे। 3 महीने बीत गए हैं और अभी तक इन्होंने पुनः रिजल्ट नहीं दिया। ये बहाली 2019 की है, ये सबसे पहली बहाली थी इस आयोग की। इस आयोग की सबसे पहली बहाली थी, इसके बाद कई सारी बहालियाँ निकली, नियुक्ति हो गई, वो नियुक्त होगा, और ये सबसे पहली बहाली आज तक क्लियर नहीं कर पाए लोग, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटीएससी की लापरवाही है। अच्छा, कितने सीटों पर बहाली निकली थी? लगभग 6400 सीटों के लिए आयोजित किया गया था, और 6400 सीटों के लिए अप्रैल में एक रिजल्ट भी जारी किया गया था, और कुछ तकनीकी कारणों के कारण उस रिजल्ट को वापस लिया गया। उसके बाद पुनः संशोधित रिजल्ट की बात कही गई, परंतु अभी तक संशोधित रिजल्ट जारी नहीं किया गया। आप तो इतने उम्रदराज हैं, तो आप इतने उम्रदराज होने के साथ साथ अभी तक आपकी बहाली? महोदय, 11 सालों से जूनियर इंजीनियर की कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, और इसी के कारण जब 2019 में वैकेंसी आई तब फिर हम फॉर्म भरने की स्थिति में आए। क्योंकि 11 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए उम्र का पारावार बढ़ता चला गया। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि लोग इंजीनियरिंग करते हैं और तकनीकी से शिक्षा लेते हैं, तो इस तरह की बहाली प्रक्रिया होगी, लंबित होगी, तो कैसे लोग पढ़ाई करेंगे इस क्षेत्र? यही सवाल तो हमारा है बीटीएससी से सरकार तक कि 3 साल में बहाली क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं, या ऐसे लड़कों का कुछ अप्रिय घटना होने का इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं 3 साल से बहाली क्लियर कर पा रहे हैं? क्या जेई की जरूरत नहीं है, इंजीनियर की जरूरत नहीं है, बाढ़ में जरूरत नहीं है लोगों की? पटना फिर से पटना को डूबना है? बार बार हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि यहाँ पानी लग गया, वहाँ बाढ़ आ गया। क्या इंजीनियर नहीं रहेंगे तो इसका स्थिति ठीक हो सकता है? क्यों बीटीएससी सिर्फ जेई का बहाली क्लियर नहीं कर रहा है? इसके बाद कितना बहाली आया और सबका ज्वाइनिंग हो गया। ये बीटीएससी गठन के बाद सबसे पहला बहाली है 1/2019। इसके बाद कई सारी बहालियाँ आई जिसका क्लियर हो गया, लड़के ज्वाइन कर लिए, वो नौकरी कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में बहाली आए, जो भी अपने योगदान दे रहे हैं। क्या इंजीनियर की आवश्यकता नहीं है बिहार सरकार को, या तकनीकी आयोग जान बूझ कर बीटीएससी का बहाली को लटका रहा? अच्छा, तो क्यों? एक सवाल ये भी है कि जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो है इस तरह की लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो क्या कहेंगे आप कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद? कोर्ट का ऑर्डर जो है 40% प्राइवेट कॉलेज से उत्तीर्ण छात्रों के लिए आया था कि उनको भी इनमें वरीयता दी जानी चाहिए, उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। यह 19 अप्रैल का यह डिसीजन है। अब 19 अप्रैल के बाद भी 3 महीने लग गए, और मेरा यह मानना है कि आयोग तकनीकी कारणों का हथियार इस्तेमाल कर हम लोगों पर दमनकारी नीति के तहत कार्य कर रही है। विभिन्न वैकेंसियों में माननीय उच्चतम न्यायालय में कोर्ट में मामले लंबित हैं, तथापि उनका वैकेंसी क्लियर कर दिया गया, केवल और केवल हम ही लोगों के लिए सिर्फ तकनीकी कारण है। और रिजल्ट आज भी आ रहा है, जेई में भी 411 की बहाली थी जिसका रिजल्ट आज भी आ रहा है, इसमें भी तो आ सकता है क्या? पूरा बहाली क्लियर होने तक, जब तक जितना कोर्ट का रिजल्ट, जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं तब तक रिजल्ट जारी नहीं करेंगे? आंदोलन हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग सभी के सभी यहाँ पे चयनित छात्र हैं बीटीएससी के तहत जूनियर इंजीनियर का, ठीक है। लेकिन जो बीटीएससी है, एक बार उन्होंने 3 तारीख को 3 अप्रैल को रिजल्ट दिया, 2 दिन के बाद रिजल्ट उन्होंने वापस कर दिया कि हम जल्दी फिर से सुधार कर देंगे। उसके बाद 3 महीने बीत गए और अभी तक उनके द्वारा कोई रिजल्ट नहीं दिया गया। हम सबका बस एक ही बात है, एक ही कहना है, जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए। रोशन नाम है हमारा। इसको हटा लिया गया रिजल्ट हटाने का कारण था कि वो बोला कि उसमें कुछ त्रुटि है, त्रुटि के सुधार के उपरांत रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन 19 अप्रैल के बाद आज तक का समय के इतना दिन हो गया, लेकिन रिजल्ट में संशोधित करके रिजल्ट जारी नहीं किया गया।
इसमें आयोग की पूरी पूरी खामी है, क्योंकि आयोग अगर चाहेगी तो रिजल्ट 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगी, लेकिन रिजल्ट आयोग चाह नहीं रही है, इस कारण से रिजल्ट नहीं आ रही। मेरा नाम सुधांशु हुआ। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीटीएससी जेई का संशोधित रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। हम लोगों को एक फिक्स डेट चाहिए कि हम लोगों को रिजल्ट किस दिन दिया जाएगा। रिजल्ट देने के बाद हटा दिया गया है, वो रिजल्ट हम लोगों को चाहिए। अच्छा, रिजल्ट में कहाँ गड़बड़ी लग रही है आपको? गड़बड़ कुछ नहीं है, इन लोग बस रिजल्ट दे नहीं रहे हैं। सब काम हो गया, इन लोग बस आने पे आश्वासन मिलता है कि हाँ रिजल्ट दे दिया जाएगा, यहाँ फंसा वहाँ फंसा, लेकिन कुछ बताया नहीं जा रहा, निश्चित कुछ नहीं बताया जा रहा कि कब दिया जाएगा रिजल्ट। अगर आयोग जल्द से जल्द अगर निर्णय नहीं लेती है आप लोगों की मांगों पर, तो आगे की कार्रवाई क्या? हम लोग चरणबद्ध तरीके से इसका विरोध करेंगे, हम लोग धरना रखेंगे और चरणबद्ध तरीके से आगे भी जारी रखेंगे इसको। हर हाल में जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक हम लोग जारी रखेंगे इस धरने को चरणबद्ध तरीके से। तो आप सुन रहे थे कि लगभग 4 सालों से इनकी जो बहाली प्रक्रिया है वो लंबित है, और अभी ये बोतल बजा करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो इससे भी कड़ा विरोध और प्रदर्शन होगा। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए YouTube पर डिजिटल न्यूज 20 को सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।